अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाएंगे प्याज कीमा, हरे मसाले का कीमा। ये 500 ग्राम प्याज हमने काट ली, लहसुन अदरक हरी मिर्चें 20 से 25 अदरक, ये साबुत गरम मसाला है, लौंगे काली मिर्च दालचीनी बड़ी इलायची पत्ते तेज़ के, ये तकरीबन 1.5 kg हमारा कीमा है हड्डी के साथ, और ये साबुत धनिया है 1 tablespoon भर के, और ज़ीरा साबुत और 25 अदरक साबुत लाल मिर्च है, 8 अदरक हरी मिर्चें और ज़ीरा, ये 3 सालन के चमचे हमने तेल गरम करके उसमें साबुत गरम मसाले का भगार लगाया है। इसमें छोटी इलायची है 4 अदद और बड़ी इलायची 2 अदद, लौंगे काली मिर्चें, और प्याज हमें बिल्कुल वाइट रखनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, क्योंकि ये कीमे के साथ बनेगा तो बहुत मज़े का लगेगा, तो डार्क ब्राउन नहीं करनी है हमें प्याज, सफ़ेद माइल करनी है। ये हमने सारा मसाला पीस लिया जो अभी दिखाया था मैंने, लहसुन अदरक साबुत धनिया ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च, ये सब पीस लिए लहसुन अदरक के साथ। अब हम इसमें देखें बिल्कुल लाइट हमने प्याज रखी है, अब हम इसमें सारा ये कीमा ऐड कर देंगे। ये घर का ही कीमा है बना हुआ, ईद उल अज़हा का बकरीद में हड्डी के साथ कीमा है, तकरीबन ये 1.5 kg होगा, 500 ग्राम प्याज है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम इसमें जो हमने मसाला पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे जो अभी दिखाया था मैंने आपको। देखिए ये मसाला हमारा इसमें हमने ऐड कर दिया, ये सब तमाम चीज़ें, साबुत मिर्चें साबुत धनिया साबुत ज़ीरा लहसुन अदरक, और ये छोटा टीस्पून है तकरीबन, हमने ये 2 teaspoon डाला है, अगर मुझे कम लगेगा तो बाद में मैं और ऐड कर दूँगी। और ये प्याज कीमा या हरे मसाले का कीमा ये बहुत अच्छा बनता है, ख़ास तौर पे बकरीद में बनाया जाता है थोड़ा दिल खोल कर, और वैसे आम दिनों में तो शायद नहीं बन पाता। और ये 1 teaspoon हमने इसमें हल्दी शामिल कर दी है और नमक शामिल करा है, बाकी तो हमने मसाला पीसा था सारा वो ऐड करा। अब इसमें मैंने 5 अदद बड़ी हरी मिर्चें साफ़ करके रखी हैं और तकरीबन 10 से 15 अदद छोटी हरी मिर्चें, वो मैं साबुत डालूंगी, अगर आप चाहें तो इसको अपनी जग में जो हमारा मसाला पीसा था हमने ये उसी को साफ़ करके मैं पानी डाल रही हूँ, तकरीबन ये 2 से 2.5 glass पानी है, अब इसी पानी में हमारा कीमा गल जाएगा। हम इसको कवर करके रखूँगी, तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं इसको आपको दिखाऊँगी भूनते टाइम, अभी ये गलेगा ये, और इसमें मैंने ये हरी मिर्चें साफ़ करके रखी हैं, ये देखिए 5 बड़ी बनी हैं और तकरीबन 10 से 15 अदद छोटी हरी मिर्चें हैं, और हरी मिर्च का कीमे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और हरा धनिया भी डलेगा आखिर में, हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया था हरा धनिया, और आप डाल लीजिएगा अगर घर में हो तो। मैंने हरी मिर्ची भी शामिल कर दी, अब मैं इसको भूनूंगी, देखिए कवर खोल के देखें इतना गल गया हमारा कीमा काफ़ी हद तक, अब मैं इसको भून लूँगी, तकरीबन 15 से 20 minutes लगेंगे मुझे इसको भूनने में, भूनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखें ये हमारा भुना खूब अच्छी तरीके, तेल अलग हो गया बिल्कुल, और ये हमारा कीमा तैयार हो गया हरी मिर्च कीमा, और ये डिश आउट करा है मैंने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा हरी मिर्च कीमा या प्याज कीमा बहुत पसंद आएगा, और खाने में ये बहुत मज़ेदार, अगर आप चाहें तो इसको ग्रेवी भी बना सकते हैं इसकी, हम बकरीद की वजह से इसकी ग्रेवी नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही खाएंगे, ये रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए ढेर सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।